वो कौन सी जगह है जहां सहरी और अफ्तार के तीन मुख्तलिफ अवकात हैं। आज हम आपको इस खास रिपोर्ट में यही चीज बताने जा रहे हैं। इस वक्त दुनिया भर में रमजान मुबारक का मुकद्दस महीना जारी है। हम आपको एक ऐसी जगह के बारे में बताते हैं जहां लोग तीन मुख्तलिफ अवकात में सहर और अफ्तार करते हैं। जी हां, रमजान मुबारक का मुकद्दस महीना अब अपने इख्तिताम की जानिब गामजन है। दुनिया भर में मुसलमान इस माह मुबारक में फर्ज किए गए रोजे रखकर अल्लाह ताला की खुशनुदी और रजा हासिल करने के लिए कोशा है। दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों और शहरों में टाइम जोन और तुलू व गुरूब आफ्ताब के अवकात में तब्दीली की वजह से सहर और अफ्तार के अवकात में फर्क होता है, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी जगह या इमारत को बता रहे हैं जो एक ही खित्ते जमीन पर कायम है, मगर इसमें मुकीम अफराद तीन मुख्तलिफ अवकात में सहरी और अफ्तारी करते हैं। ये इमारत दुनिया की सबसे बुलंद और दुबई में वाका बुर्ज खलीफा है, जहां के रिहायशी तीन मुख्तलिफ अवकात में सहरी और रोजे अफ्तार करते हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक बुर्ज खलीफा में रिहायश पजीर 12,000 अफराद टॉवर की ऊंचाई के 22 मुख्तलिफ अवकात में सहरी और अफ्तारी करते हैं। अवकात का फर्क जमीन के करीब मंजिलों और बहुत ऊंची मंजिलों के रिहायशों के दरमियान वक्त में फर्क की वजह से होता है। दुबई के इस्लामी अमूर के महकमे ने बुर्ज खलीफा की 160 से ज़ायद मंजिलों में रहने वाले लोगों के लिए जो हिदायत जारी किए, उनके मुताबिक 80वीं मंजिल से 150वीं मंजिल तक के रिहायशी अफ्तारी 2 मिनट ताखीर से और सहरी 2 मिनट जल्दी ख़त्म करते हैं। इसी तरह 150वीं मंजिल और इससे ऊपर के रिहायशों के लिए मगरिब की नमाज की अजान 3 मिनट ताखीर से दी जाती है, उनकी सहरी का वक्त भी 3 मिनट जल्दी खत्म होता है। कैसी लगी आपको ये रिपोर्ट, अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। आदाब।